नगर निगम मथुरा वृंदावन इन दिनों आगामी स्वच्छता सर्वेक्षण 2019 के लिए पूरी कोशिश में लगा हुआ है। नगर निगम की कार्य प्रणाली पर नजर डालें तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे नगर निगम किसी भी कीमत पर मथुरा शहर को नंबर एक के स्थान पर देखना चाहता है। इसी के मद्देनजर नगर निगम मथुरा वृंदावन के जलकल विभाग के सहायक अभियंता ने जानकारी देते हुए बताया कि नगर निगम द्वारा कर्मचारियों की अलग अलग टीमें गठित कर दी गई हैं, जो स्वच्छता सर्वेक्षण का निरीक्षण करेंगे और लोगों को उनके प्रति जागरूक करने के साथ साथ आने वाली समस्याओं एवं समस्याओं के निदान पर अपनी राय रखेंगे। सर, स्वच्छता मिशन को लेकर अभी नगर साहब ने एक कमेटी गठित की है, जो कि हर वार्ड में जा जाकर अलग अलग कमेटी है, तो आपके द्वारा आज कितने वार्डों को चेक किया गया, क्या रहा निरीक्षण में? देखिए, हमारे द्वारा जो है हमें चार वार्ड निरीक्षण के लिए दिए गए हैं। वार्ड नंबर 1, 4, 5 और 26। तो आज कौन कौन से वार्ड में? आज 4 और 5, वार्ड नंबर 4 और 5 का और वहाँ उसमें इन दोनों वार्ड 1 और 5 पूर्व में ग्रामीण क्षेत्र रहे हैं और नगर निगम का लगभग बाहरी हिस्सा है। और अभी क्योंकि क्षेत्र बहुत बड़ा है और उसके रेस्पेक्ट में वहाँ कर्मचारियों की तादाद कम है, दोनों वार्डों में लगभग 13-13 कर्मचारी हैं, तो इस वजह से अपेक्षित सफाई अभी जो है जिस प्रकार सफाई होनी चाहिए उस प्रकार सफाई नहीं हो पा रही है। आप पूरी तरह से यह है कि इसमें जो है कर्मचारी एक एक क्षेत्र में दूसरे दिन या तीसरे दिन पहुँच पाते हैं, बड़ा क्षेत्र होने के कारण, और विधिवत सफाई हो इसके लिए कुछ और कर्मचारियों की आवश्यकता वहाँ। तो डस्टबिन वगैरह कितने लगे हुए हैं कुछ में, या बड़े वाले डस्टबिनों में कूड़े वगैरह गंदगी वगैरह? एक्चुअली में डस्टबिन तो कम डलता है लेकिन बाहर ही रहता है, तो ऐसा क्या कुछ पाया गया? हाँ, ये भी देखा गया कि डस्टबिनों में भी कूड़ा है और कुछ वहाँ आसपास के नागरिक जो हैं वो भी अपने घरों का कूड़ा ले जाते हैं, तो कूड़ेदान में डालने के बजाय कूड़े के बाहर ही लोग डाल के चले आते हैं। और कुछ हमारे निगम के कर्मचारी भी हैं, जैसे कूड़ेदान ऊंचा है उसके किनारों में डाल, तो ये कमियाँ देखने को मिली हैं, उसमें सुधार की आवश्यकता है और मैं समझता हूँ कि लोगों को इसके लिए जागरूक भी किया जा रहा है। और वहाँ जिन लोगों से हमारी बातचीत हुई इस संबंध में, हमने उनसे पूछा कि भाई सफाई व्यवस्था कैसी चल रही है, लोग सफाई करने आते हैं नहीं आते हैं, तो लोगों ने बताया आते हैं लेकिन कर्मचारियों की तादाद कम होने की वजह से, फ्रिक्वेंसी थोड़ी कम है, लेकिन कम कर्मचारियों में भी काफ़ी बेहतर काम हो रहा है। अच्छा, लोगों का रुझान क्या है स्वच्छता को लेके, उनका क्या कह रहा है, क्योंकि अभी ये नए क्षेत्र जुड़े हैं, क्योंकि देहाती क्षेत्र देहाती अब ये बाढ़ नगर निगम में जुड़े हैं। देखिए, क्षेत्र तो नया है क्योंकि उधर का क्षेत्र कुछ ग्रामीण का ही है, लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी हम लोगों में स्वच्छता को लेकर एक सजगता सी दिखती है। और अभी जनरली ऐसा देखा जाता है और होता भी है कि घर का जितना भी कूड़ा हो, जिस टाइप का भी हो, लोग एक में ही इकट्ठा करते हैं। उसके बारे में मैंने स्वयं ही लोगों को अवगत कराया कि कूड़े को अलग अलग रखें, गीला कूड़ा अलग, सूखा कूड़ा अलग। ऐसा करने से हमारा लगभग मेरा अनुमान है कि कम से कम 60-70% कूड़ा जो घरों में गीला निकलता है वो बायोडिग्रेडेबल होता है, जो सड़के फिर खाद में परिवर्तित हो जाता है। अगर हम उसको अलग रखें और वो 2-4 दिन बाद सड़ जाता है और उसमें फिर दूसरा कूड़ा और थोड़ी मिट्टी मिला के डालते रहें, तो वो एक अच्छी खाद बन जाती है जो हमारे घर के गमलों में काम। बाकी जो बचा हुआ अन्य है, प्लास्टिक है या अदर मटेरियल है, अगर ये सेपरेट रहें तो जो हमारे कबाड़ खरीदने वाले आते हैं लोग, तो प्लास्टिक पॉलीथीन ये लोग खरीद भी लेते हैं, तो अगर इस तरह की चीज़ों को हम कूड़े को अलग अलग कर लिया करें तो हमारा कूड़े का बहुत बड़ा हिस्सा पुनः यूटिलाइज हो जाएगा
और जो कूड़े के बड़े बड़े पहाड़ बड़े बड़े शहरों में दिखते हैं, और छोटे शहर हों वहाँ भी जितने आसपास में डंपिंग ग्राउंड है सब भरते चले जा रहे हैं। कूड़े की बहुत बड़ी समस्या, कूड़े के निस्तारण की बहुत बड़ी समस्या हो रही है। अगर हर घर में इस तरह से कर लिया जाए, हम दोनों सूखे और गीले कूड़े को अलग अलग कर लें, हमारे कूड़े की मात्रा बहुत कम हो जाए। नगर निगम के द्वारा अब इन वार्डों में क्या कर्मचारी या सफाई कर्मचारी वगैरह बढ़ाए जाएंगे या क्या व्यवस्था है? देखिए जो भी है, निरीक्षण का क्या था हम लोग देख रहे हैं,